हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पैराबोला का प्रॉब्लम नंबर 6 और ये बाय टेंजेंट मेथड हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमें पैराबोला का प्रॉब्लम कवर करना है उसका क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा। एन आर्टिलरी गन फायर्स अ बॉम्बशेल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू अ टारगेट ऑन द सेम लेवल एट 15 किलोमीटर अवे। बॉम्बशेल अचीव्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। ड्रॉ द पाथ ट्रेस बाय द शेल सिलेक्टिंग द सुटेबल स्केल, नेम द कर्व। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ड्रॉ द पैराबोला, फिर ये कैसे समझ में आएगा कि ये पैराबोला का प्रॉब्लम है? तो ये समझना बहुत आसान है। क्वेश्चन में लिखा है कि आर्टिलरी गन से बॉम्बशेल फायर किया जा रहा है और वो टारगेट को जाके हिट करेगा। टारगेट जो है वो आर्टिलरी गन से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ये देखिए, ये एक डायग्राम में अगर आप चेक करेंगे तो टारगेट जो है वो आर्टिलरी गन से 15 किलोमीटर दूर है। तो 15 किलोमीटर दूर से आर्टिलरी गन से आप फायर कर रहे हैं तो बॉम्बशेल जाएगा पैराबोलिक पाथ में और टारगेट को हिट करेगा। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि यहाँ पे पैराबोला ही बनेगा। अच्छा, पैराबोला जो बनेगा उसका बेस और हाइट क्या रहेगा? तो बेस तो कन्फर्म हो गया कि बेस उसका 15 किलोमीटर रहेगा। हाइट भी क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कि बॉम्बशेल अचीव्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। तो चलो, ये पैराबोला बनेगा तो हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में दिया है तो आपको यहाँ पे सुटेबल स्केल लेके किलोमीटर को सेंटीमीटर में आपको लेके ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्केल लेंगे हम, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग बेस बनेगा 15 सेंटीमीटर का और हाइट बनेगा 5 सेंटीमीटर का। तो आइए अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे जो कि 15 सेंटीमीटर का है। वैसे एक्चुअली दिया है 15 किलोमीटर, लेकिन हमने स्केल के थ्रू इसको कन्वर्ट किया है। स्केल लिया है हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमने 15 सेंटीमीटर का बेस बना लिए और अब हम इसका मिड पॉइंट लेंगे। तो ये हमने मिड पॉइंट भी ले लिए 7.5 सेंटीमीटर पे। ये बेस को हम नेमिंग दे देंगे एज ए बी और जो मिड पॉइंट हमने लिए है वो मिड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन मतलब हम उसका हाइट शो करेंगे। हाइट जो कि दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी ही 5 किलोमीटर जो दिया है, हमने स्केल के थ्रू 5 सेंटीमीटर लिए थे तो हमने 5 किलोमीटर यानी ही 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे हाइट शो कर रहे हैं। और फिर हम इसका यूज़ करके हम पैराबोला बनाएंगे। वैसे पैराबोला ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मेथड कौन सा यूज़ करना वो लिखा नहीं है। हमारे पास दो मेथड है, या तो हम टेंजेंट मेथड से बना सकते हैं या तो हम रेक्टेंगुलर मेथड यानी ही ऑब्लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं। तो देखो, हमने हाइट को हमने नाम दे दिए ऊपर सी। तो अब हम यहाँ पे टेंजेंट मेथड का यूज़ करके ड्रॉ करेंगे। और टेंजेंट मेथड का अगर आपको यूज़ करना है तो ये कन्फर्म है कि हाइट को डबल करना पड़ता है, क्योंकि इसके पहले के प्रॉब्लम्स में हमने बताए थे जब कभी भी आपको टेंजेंट मेथड का यूज़ करना है तो जितना हाइट होता है उसको डबल करो। तो हाइट यहाँ पे था 5 सेंटीमीटर, तो वो हाइट को डबल कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे टोटल हाइट लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो और हमने 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा दिए तो ऊपर हमने नाम दे दिए O। अब ये O से A ज्वाइन करो, O से A ज्वाइन करो और O से B ज्वाइन करो, तो एक ट्रायंगल बनेगा, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा। हम टेंजेंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, मेथड वहाँ पे लिखा नहीं था, हम टेंजेंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। तो अब OA और OB ज्वाइन करने के बाद ये OA और ये OB को मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट में डिवाइड करो। OA और OB इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट में डिवाइड करो, मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करो। तो इसका लेंथ देखो क्या आ रहा है, इसका लेंथ कुछ ये 12.5 सेंटीमीटर है एग्जैक्टली। और इधर का भी हम लेंथ चेक करेंगे तो ये भी 12.5 सेंटीमीटर है। 12.5 सेंटीमीटर है मतलब इसको 5 mm के अकॉर्डिंग कुछ 25 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए, पहले हम OB को डिवाइड कर रहे हैं, ये हम इसको 5 mm के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 12.5 सेंटीमीटर था OA का लेंथ और उतना ही लेंथ था OB का, 12.5 सेंटीमीटर यानी ही 125 mm। तो उसको हम 5 mm के अकॉर्डिंग 25 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट में डिवाइड करना होता है जब कभी भी आपको टेंजेंट मेथड का यूज़ अगर करना है तो हमेशा OA और OB को मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमने OB को डिवाइड कर लिए 25 पार्ट्स में और अब हम OA को भी डिवाइड करेंगे 25 पार्ट्स में। तो OA को हम डिवाइड कर रहे हैं अगेन 5 mm के अकॉर्डिंग, हम इसको डिवाइड करेंगे 25 पार्ट्स में।
मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है जब कभी भी आपको टेंजेंट मेथड का यूज़ करना है। और टेंजेंट मेथड हमने क्यों यूज़ किए, उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है वो बेस से कम था, हाइट जो है वो कम है। हमने इसके पहले के वीडियोस में बताए थे, इसके पहले के प्रॉब्लम्स में, कि हाइट अगर कम है तो आप टेंजेंट मेथड इजीली यूज़ कर सकते हैं, हाइट अगर ज़्यादा है तो रेक्टेंगुलर मेथड ही यूज़ करो, लेकिन हाइट कम है इसलिए हम यहाँ पे टेंजेंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, हमने दोनों को 25-25 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और अब हम दोनों में नेमिंग देंगे। नेमिंग जो है वो एक साइड में नीचे से ऊपर, तो एक साइड में ऊपर से नीचे, ऐसा देंगे। मतलब दोनों में नेमिंग नीचे से ऊपर, दोनों में नेमिंग ऊपर से नीचे, ऐसा नहीं। एक साइड में नीचे से ऊपर दो तो दूसरे साइड में ऊपर से नीचे दो। तो ये देखिए, OA के ऊपर जो हम नेमिंग है वो हम नीचे से ऊपर दे रहे हैं, नीचे से स्टार्ट करते हुए 1, 2, 3, 4 ऊपर तक जाएंगे। और OB को जब हम नेमिंग देंगे OB में, तो हम ऊपर से नीचे देंगे। अपोजिट नेमिंग, तो अपोजिट नेमिंग क्यों देते हैं उसका भी रीज़न है, वो भी हम बताएंगे। देखो, हमने अभी OA के ऊपर नीचे से ऊपर हमने नेमिंग दे दिए 1, 2, 3, 4 up to 24, और अब हम यहाँ OB के ऊपर ऊपर से नीचे नेमिंग देंगे 1, 2, 3, 4 up to 24। लास्ट पार्ट 25 होता है, उसके पहले के पार्ट तक हमें नेमिंग देना है। तो यह है, हमने अपोजिट नेमिंग देते हुए, हमेशा टेंजेंट मेथड में अपोजिट नेमिंग देना पड़ता है, एक इसमें नीचे से ऊपर तो दूसरे उसमें ऊपर से नीचे। अब ये चॉइस आपकी है, कहाँ पे किस टाइप से देना है वो आपके अकॉर्डिंग। तो अब देखिए, हमने दोनों को नेमिंग दे दिए और अब हमें क्या करना है, बाय यूजिंग स्केल 1, 1, 2, 2 ऐसे ज्वाइन करना है। देखिए, ये 1, 1, देन ये 2, 2, देन ये 3, 3, देन 4, 4, 5, 5, 6, 6, ये आपको आखिरी तक करना है बाय यूजिंग स्केल। तो चलो अब हम इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, मतलब नीचे का 1 और ऊपर का 1, फिर नीचे का 2 और ऊपर का 2, फिर नीचे का 3 ऊपर का 3, फिर 4, 4, फिर 5, 5, फिर 6, 6, ऐसा आपको 24 पार्ट तक करना है, इसलिए अपोजिट नेमिंग दिया जाता है। ये उसका रीज़न है, अपोजिट नेमिंग देते हैं इसलिए क्योंकि हमें अपोजिट पार्ट्स हमें ज्वाइन करना पड़ता है। तो फिर ये धीरे धीरे होते हुए पैराबोला बनता है, यहाँ पे अपने आप ही पैराबोला बनता है, यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। मतलब यहाँ कोई आपको फ्रेंच कर्व का यूज़ करके ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही आप ये सभी के सभी पार्ट्स अब ज्वाइन कर लेंगे, अपोजिट पार्ट जब आप ज्वाइन करेंगे तो अपने आप ही एक कर्व बनेगा। तो जो कर्व बनेगा वो पैराबोला बनेगा, और ये जो पैराबोला बनेगा वो पॉइंट सी से पास होगा। पॉइंट सी जो कि आपको दिख रहा है, देखिए 50 mm की हाइट पे, माने 5 सेंटीमीटर की हाइट पे जो आपको दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर के हाइट पे जो आपने पॉइंट सी लिए थे, वो बराबर वो सी पॉइंट से पास होगा, और वो होना ही चाहिए। अगर वो बराबर सी पॉइंट से पास हो रहा है तो समझ जाओ कि आपकी ड्राइंग बिल्कुल करेक्ट है, नहीं तो एरर है। तो अभी देखिए, सभी पार्ट्स हम ज्वाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग स्केल, आपको ये सीधा ज्वाइन करना है, और यहाँ पे अपने आप ही एक कर्व बनेगा, वो पैराबोला, वो अपने आप ही बनना चाहिए, वो खुद से ही बनना चाहिए, इसलिए हम इसको मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। OA और OB को हमने मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट में इसीलिए डिवाइड किए थे क्योंकि वो अपने आप ही पैराबोला बनना चाहिए, यहाँ पे कोई भी टाइप के क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जबकि बाकी जो दूसरे कर्व्स है उसमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे खुद ब खुद बनना चाहिए, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए हमने 25 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए, ये देखिए, ये अपने आप ही, देखिए ये बराबर सी से पास हो रहा है। तो ये पैराबोला का प्रॉब्लम नंबर 6 चल रहा है। इसके पहले ऑलरेडी पैराबोला के 5 प्रॉब्लम्स और भी कई प्रॉब्लम्स हमने इसके पहले स्टडी किए थे। आपने अगर इसके पहले के प्रॉब्लम्स नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक दिया है, आप वो सभी वीडियोस देख के वहाँ से वो सभी प्रॉब्लम्स स्टडी कर सकते हैं। और भी कई टॉपिक्स के वीडियोस का लिंक दिया है। तो ये देखिए, सभी पार्ट्स को हम ज्वाइन करते हुए अपोजिट पार्ट्स जितने भी हैं, तो धीरे धीरे ये पैराबोला बनता हुआ। तो ये देखिए, ये 22, देन लास्ट, सेकंड लास्ट, दैट इज़ 23, और फिर लास्ट 24। तो देखिए, अपने आप ही एक पैराबोलिक पाथ यहाँ पे बनेगा, पैराबोला कर्व बनेगा, ये देखिए धीरे धीरे बनता हुआ। लास्ट पार्ट बस ज्वाइन कर लेते हैं, और जो पैराबोला है वो बराबर सी पॉइंट से पास होगा। क्वेश्चन में जो लिखा है, जो हाइट उसकी ली गई है, वो बराबर वो हाइट से ही पास होगा। तो ये देखिए, पैराबोला बिल्कुल बनके तैयार है, और अब प्रॉपरली चेक करो, देखो ये पैराबोला बराबर सी पॉइंट से पास हो रहा है, जो क्वेश्चन में लिखा था उसके अकॉर्डिंग। बस अब आपको इसके डायमेंशन शो करना है, क्वेश्चन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन लिख लो। डायमेंशन मतलब क्वेश्चन में उसका बेस लिखा है, दैट इज़ 15 किलोमीटर का बेस,
वैसे हमने स्केल का यूज़ करके कन्वर्ट किए थे उसको, लेकिन जो स्केल के थ्रू आपने कन्वर्ट किए थे वो यहाँ पे लेंथ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको उसका ओरिजिनल बेस लिखना है जो कि 15 किलोमीटर है। तो यहाँ लिखते समय बेस लिखो 15 किलोमीटर का और हाइट लिखो दैट इज़ 5 किलोमीटर का। तो ये टेंजेंट मेथड। तो फिर से बताना चाहेंगे कि टेंजेंट मेथड यूज़ कब करना है। टेंजेंट मेथड अगर आपको यूज़ करना है तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि बेस और हाइट क्या है। अगर हाइट का लेंथ अगर कम है बेस से, हाइट अगर बेस से कम है, हाइट का लेंथ अगर बेस से कम है तो आप बिल्कुल टेंजेंट मेथड का यूज़ करो, क्योंकि टेंजेंट मेथड यूज़ करते समय हमेशा हाइट को डबल करना पड़ता है। हाइट अगर कम रहेगी तो डबल करने में आसानी रहेगी और ड्रॉ करने में भी आसानी रहेगी। अगर हाइट अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में आपको डबल करके उसको ड्रॉ करने में बहुत तकलीफ होगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा हाइट का बन जाएगा और फिर उसको मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय, इसलिए नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप रेक्टेंगुलर मेथड से बनाओ यानी ऑब्लॉन्ग मेथड से, चॉइस आपकी है। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर मेथड लिखा नहीं होता है तो ये चॉइस आपका होता है। तो ये देखिए फाइनली हम इसका बेस और हाइट लिख रहे हैं, बेस हमने 15 किलोमीटर लिखे थे और हाइट लिख रहे इसका 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये उसका सॉल्यूशन बनेगा। तो फाइनली ये देखिए ये 5 किलोमीटर का इसका हाइट लिख लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने पैराबोला का क्वेश्चन नंबर 6 आज कंप्लीट किए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सभी पहले के इसके वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। सभी वीडियोस को आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं और भी कई टॉपिक्स के वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सब कुछ स्टडी कर सकते हैं इजीली। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं पे समाप्त होता है। इस आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।